नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं कॉमोडिटी मार्केट क्रूड ऑयल का ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एंड इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में एक लंबा रैली देखे गया। कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो अगर आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो एग्जिट का ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी आपका सामने क्रूड ऑयल का एक चार्ट खुला हुआ है और ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब क्वेश्चन ये है, जो ये 10 मिनट क्यों है, क्योंकि कॉमोडिटी का जो टाइमिंग है बहुत बड़ा है, अगर आप इसमें छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे तो नॉइज बहुत ज्यादा दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग 10 मिनट टाइम फ्रेम को स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, आप अपना हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में एकदम बिगिनिंग से समझाया जाए तो ये आपका फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल पे आपको एक बाइंग का कॉल दिया है। ये जो ग्रीन कलर का एरो ये आपका सिग्नल है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन का ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा, एंड राइट साइड में देखिए इसका डिटेल लिख के आ रहा है जो बाय एट द रेट 7369, ऊपर में T1 T2 T3 टारगेट एंड नीचे स्टॉप लॉस। तो जब भी कोई सिग्नल आएगा उसका डिटेल्स आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये कॉल सही है, इसमें ट्रेड करे या ना करे। तो एंट्री लेने का पहले हर एक ट्रेडर को 2 से 3 कंडीशन को चेक कर लेना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला जो कंडीशन है नीचे का जो रिबॉन उसका तरफ ध्यान देना है। अगर नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है इसका मतलब है यहाँ पर बायर सभी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन है जिसे आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड इंडिकेशन, बायर का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ब्रिक्स जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए और ये ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन मैच होता है तभी जाके एक कॉल को आप स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये जो सुबह को कॉल बना था ये कॉल कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही था, तो आप 7369 का जो कॉल था वहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री तो ले लेते हैं, एग्जिट कहां पर करेंगे। देखिए, एग्जिट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग नीचे का ब्रिक्स को ध्यान में देखते रहते हैं। इतना दूर तक देखिए ब्रिक्स का कलर ग्रीन था, मतलब इतना दूर आपका कोई टेंशन नहीं है, आप 69 या 70 में एंट्री लिए, 70 से ले 80 87 हाई मारा था, मतलब 17 पॉइंट आप इजिली प्रॉफिट बनाए। अब इस कैंडल पे देखिए ब्रिक्स का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ब्लू होने का मतलब है ये आपको इंडिकेट कर रहा है यहां पर थोड़ा सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। जब तक ग्रीन रहेगा आपका कोई टेंशन नहीं है, ग्रीन के बाद जैसे ब्लू होता है या रेड होता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप मैक्सिमम वेट कर सकते हैं ये ब्रिक्स जब तक तोड़ता नहीं है, जैसे इस कैंडल पे ब्रिक्स को तोड़ दिया, जैसे इस कैंडल पे मुझे दिखाई दे रहा है लगभग वैल्यू था 7384 के आसपास, तो मैं यहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, मैं और रिस्क नहीं लूंगा। अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं अभी भी रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको एक येलो कलर का देखिए लाइन दिख रहा है, येलो कलर का लाइन का ऊपर अभी भी मार्केट है और नीचे का जो रिबन है वो अभी भी ग्रीन है। तो ये दो चीज आपको बोल सकते हैं जो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट ब्रिक्स को देखते हुए जनरली हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, भले उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, तो इस टाइप का सिचुएशन पे हम लोग ट्रेड जनरली नहीं करते। फिर भी अगर आप ब्रिक्स का साथ भी निकालते हैं तो भी देखिए यहाँ पर आप 15 16 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से निकाल लिए। फाइनली देखिए यहाँ पर सेलिंग का कॉल बना है, अभी सेल का कॉल में वही सेम कंडीशन रहेगा। अब सेल का कॉल में क्या होता है, नीचे का जो रिबन है उसका कलर रेड हो जाता है, यहाँ पर स्टार बनता है, नीचे का ब्रिक्स रेड होता है, तो यही सेम कंडीशन आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है। अब जैसे दिखाई दे रहा है जो 2 कैंडल बाद यहां पर भी ब्लू कलर का ब्रिक्स आ गया, तो ये जो ब्लू कलर का ब्रिक्स बन रहा है तो ये हमेशा एक अलर्ट होता है जो शायद मार्केट यहां से रिवर्स करे। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे एक कैंडल और, यहां पर देखिए ये जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, ब्रिक्स का बात नहीं कर रहा हूं, कैंडल का बात, देखिए वहां पर ब्लू कलर का कैंडल दिख गया, तो ब्लू कैंडल का मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इसका मतलब है जो वैल्यू है एंट्री लिए वहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में या मिनिमम लॉस में निकल जाएंगे। फाइनली बाय का कॉल दे दिया और बाय का कॉल का एंट्री आपका इस कैंडल से दोबारा बनेगा जहां पर ब्रिक्स ब्राउन का ऊपर जाएगा। अब इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू था 7411, वहां से लेके देखिए अभी भी ब्रिक्स का कलर ग्रीन ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है, ऊपर में देखिए आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये है रेजिस्टेंस। तो मुझे एक चीज दिख रहा है जो ऑलरेडी मार्केट रेजिस्टेंस तक चला गया है, तो दिस इज ए ओवरबॉट जोन। अब ओवरबॉट जोन में जाके मार्केट रिवर्स होने का एक टेंडेंसी होता है, बट आप ब्रिक्स का तरफ ध्यान रखिए, बहुत टाइम क्या होता है ओवरबॉट का
ऊपर भी मार्केट ऊपर जाते रहता है, तो इस टाइम आपको ब्रिक्स को ही ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर ब्रिक्स थोड़ा सा भी चेंज होता है तो मैं पोजिशन एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर वेट करूंगा। तो देखिए सिचुएशन वाइज आप भी आपको अपना थिंकिंग को चेंज करना है, हमेशा एक ही टाइप का रूल होगा ऐसा नहीं, कभी मैं ब्लू में तुरंत निकल जा रहा हूँ, कभी ब्लू में मतलब वेट कर रहा हूँ। तो यहां पर मैं ब्लू आने से तुरंत निकल जाने का ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो मार्केट में जितना रेंज था ऊपर जाने का वो चला गया है। अब अगर कोई ब्लू ब्रिक्स बनता है तो मैं वहां पर और रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक से जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज था आप दिए गए नंबर पे हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हम लोग थोड़ा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। एक ही चीज बोलूंगा, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, सही लॉजिक को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट जरूर आएगा। देखिए लॉस को हम लोग एकदम इग्नोर कर देंगे ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, लॉस भी इस मार्केट का एक पार्ट है, बट हम लोग का ध्यान हमेशा ही रहेगा तो लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए एंड प्रॉफिट को हम लोग कैसे इंक्रीज कर पाए। थैंक यू सो मच।